भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे मोदी योगी से? मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें ताकि मैं अपने पति के साथ रह सकूं। और हैदर जो पागल हो रहा है उसकी दिमाग भी मतलब ध्यान मत दें, फंसा दूंगा इनको, कह रहा है जेल भिजा दूंगा, ये जेल जाएंगे तो जेल मैं भी जाऊंगी, बोलूंगी मेरी तरफ से हैदर को तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो वो मेरे पति है ही नहीं। पबजी खेलते हुए पाकिस्तानी महिला सीमा की दोस्ती भारत के रहने वाले सचिन से हुई थी और फिर दोस्ती इस प्यार में बदली और फिर जो सीमा हैदर थी वो चार बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आई और उनको 4 तारीख को जो है पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया था और अब उन्हें बेल मिली है। हम उनसे जानेंगे कि उनको किस आधार पर जो है बेल मिली थी जो कोर्ट से आपको। सर एक ही थी कि आप कहीं बाहर दूसरे देश नहीं जाओगे और दूसरी सिटी भी नहीं जा सकते, अगर जाओगे कहीं दूसरी सिटी की प्रॉब्लम हो जाती तो इन्फॉर्मेशन के बगैर नहीं जा सकते। दोस्ती कैसे हुई थी आप लोगों की बता रहे जा रहे पबजी से? सर पबजी दोस्ती कितने दिन चली थी? हमारी दोस्ती आज तक थी, जब तक शादी ना हुई तब तक हम दोस्त थे, 3 साल हो गए हमें। आपके पति भी आपको जो है बुलाने की गुहार लगाने भारत सरकार से? आप उनकी बात करने का तरीका नहीं समझ रहे सर, वो जब मैं उनसे वो कह रहे हैं पहले तो डिवोर्स दे चुके हैं, दूसरी बात मैं कह रही हूँ उनको चलो तुम डिवोर्स नहीं दे चुके हो तो मुझे कह रहे हैं तुमने मुझसे कानूनी डिवोर्स लेना था, तो मैं अब कह रही हूँ मैं कानून ले रही हूँ तुम दो, तब भी कह रहे नहीं। क्या एबीपी न्यूज के सामने, एबीपी कैमरे के सामने आप 3 तलाक लेती हैं? मुझे दे चुके हैं, बिल्कुल ही दे चुके हैं, हाँ बोलूंगी मेरी तरफ से हैदर को तलाक है, तलाक है, तलाक है, क्योंकि मेरे पति है ही नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में हूँ। अब तो हमारा मतलब खुद से जो निकाह की बात करें वो हिंदू धर्म में आते निकाह टूट चुका है। तो यानी कि आपने 3 तलाक अभी दे दिया है? अभी से नहीं, पहले ही हमारा डिवोर्स हो चुका है, वो नहीं मान रहे, तो मैं उनको कह रही हूँ कि हिंदू धर्म आने के बाद इस्लाम का जो कनेक्शन है सारा टूट चुका है, हमारा निकाह भी टूट चुका है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में हूँ। अब आपने हिंदू धर्म अपना लिया था? और ये वहाँ जो हमारे साथ कोई हसन नाम के थे और वो भी लाइव आए थे, वो भी ऐसा कह रहे थे अगर आप इस्लाम में हो तो आप हैदर की पत्नी हो, अगर आप इस्लाम से खारिज हो हिंदू बन चुके तो आप हैदर की पत्नी नहीं हो। और ऐसा होता है किसी मौलाना किसी, वो हैदर जो वो तो पागल हो गया है कि मुझे वापस बस कैसे भी करके सीमा आने में, बच्चे भेजने की बात कर रही हूँ तो भी सीमा आए, मतलब कोई भी बात कर रही हूँ तो भी सीमा आए, फंसा दूंगा इनको, कह रहा है जेल भिजा दूंगा, ये जेल जाएंगे तो जेल मैं भी जाऊँगी। भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे मोदी योगी से? मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें ताकि मैं अपने पति के साथ रह सकूं। और हैदर जो पागल हो रहा है उसकी दिमाग भी मतलब ध्यान मत दें, जो मैं उनको हर चीज़ की वार्निंग दे रही हूँ कि भाई तुम्हें बच्चे चाहिए, मैं बच्चे अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं बच्चे जा रहे हैं तो मैं नहीं रोकूंगी। दूसरी बात अगर डिवोर्स की बात चले कि वो जुबानी कह रहे हैं मैं नहीं मान रहे तो मैं कागजी डिवोर्स दूंगी उनको, कागज भेजूंगी तो वो दे दें। आपके पति ने आपके और आपके बच्चों को अपना लिया है पूरी तरीके से और उनकी फैमिली ने? इन्होंने अपना लिया है सर बिल्कुल। फैमिली का क्या रवैया आपकी तरफ? बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पापा को हमसे ज्यादा चिंता है कि इतने परेशान हो रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा उनको चिंता है। हमारे साथ सचिन भी, उनसे बात करेंगे। सचिन आपने पूरी तरीके से इनको अपना लिया है, शादी कर ली थी नेपाल में जैसे बताया जा रहा है, तो क्या इनके बच्चों की आप अपनाएंगे उधर से? वो जो जो इनके पति हैं पुराने जो मांग कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को भेजा जाए बच्चों को दिया जाए, क्या कहना है? सर मैं तो बच्चों को और इनको अपना चुका हूँ और वो बच्चों से आप पूछ सकते हो कि अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो कोई जा सकते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ और ठीक है कि यहाँ रहना चाहते। फैमिली ने अपना लिया है आपकी फैमिली ने, बच्चों को भी इनको? बच्चों को भी इनको भी और मुझको भी अपना लिया है। ठीक, बताया जा रहा था कि इनको गंगा स्नान के बाद फिर हिंदू धर्म जा रहे थे आप लोग के कारण ना जा सके। आज हम कहाँ जा रहे थे आप लोग आज? गंगा नहाने। आप थे सीमा हैदर और उनके पति, उनका साफ कहना है कि बीबीपी न्यूज के कैमरे के सामने इन्होंने 3 तलाक लिया है और ये गंगा स्नान के बाद पूरी तरीके से ये जो है हिंदू धर्म अपनाएंगे। पटना से रविंदर जयंत, एबीपी न्यूज।